कैसे हैं आप सब? ठीक है? तो दोस्तों, अभी आपको मैंने दिखाया है अपने उसमें पिंजरे में कि मैं कुछ नया चीज़ लेकर आया हूँ। बच्चा मेरे पास आया था, उसने मुझे एक डव का बच्चा ला के दिया था। कह रहा था दो बच्चे थे, एक तो उड़ गया और ये उड़ नहीं पाया। वो देखे पीछे बैठा हुआ है, ये इस डब्बे मैंने इसको रखा है, लेकिन अभी ये निकल के वहाँ बैठ गया है। ये डव का बच्चा है, लाफिंग डव का है। तो इसको हमने अभी रात को मैंने इसको सिरिला खिला दिया था सिरिंज से, अभी इसका पेट फुल है। बाकी इसको क्या हो गया पता नहीं, मैं देखता हूँ। ये देखिए यार, मैंने इसको आपने पकड़ लिया, देखिए बड़ा हो गया, इसके पैर पूरे आ गए हैं पीछे से, इसके सर पे रह गए हैं। बाकी खाना भी खुद खा लेते हैं, इसका पोटा फुल है। मैं इसको हाथ में बिठाता हूँ और आगे चलता ताकि ये हैंड टेम हो जाए। इसको मैंने ड्रेक की तरफ पे बिठा दिया है, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे। ये बैठा है, वो भी मैं आ जाओ। शाबाश। हमने इसका पार्टनर भी लेकर आना है और डफ का पार्टनर भी लेकर आना है। बस आहिस्ता आहिस्ता करके ना और चीज़ें हम लेते आएंगे। अभी इसको मैं वापस रखता हूँ इसके पिंजरे में। आ जाओ अंदर, चलो। शाबाश, चलो इसको बिठाता हूँ मैं। बैठो, ये अपने मटके में चला गया। छोटा था तब इसमें होता था, तो अभी भी इसमें चला गया। और कॉकटेल अंदर बहुत गंद करते हैं, पानी सारा गिरा देते हैं और दाना भी सारा गिरा देते हैं। और डव अभी यहीं पे बैठी है, रात को मगरिब के बाद इसको मैं नेक्स्ट फीड खिलाऊंगा। सही लग, इसकी मैंने रखी हुई है यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, सीरी लेग रखा हुआ है और साथ सिरिंज है। इससे मैं ये पाइप अगर लगाया हुआ है, इसके मुँह में डालता हूँ पाइप मुँह खोल के, और सिरिंज इसको खिला देता हूँ मैं। लेकिन तोरियों की बेल यहाँ हमारी पूरी लगी हुई थी, तो यहाँ से बीच से सारी काट के ना हमने सिर साइड पर रहने दी, यहाँ से काट दिया। और देखो ऊपर तोरियाँ भी लगी हुई, ये क्योंकि जो सारी बेल थी ना यहाँ पे तारों पे आ रही थी, ये खंबे पे आ गई थी, बिजली में जा रही थी, तो इसलिए हमने यहाँ से काट दिया। ऊपर देखें वो दो तोरियाँ लगी हैं, दो ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है, इसका सारा ये बेल है हमने सारी जो काट दी थी इस साइड पे लगी है। बाकी ऊपर भी काफ़ी है और फैल भी रही है ऊपर, वो देखें तोरियाँ भी लगी हुई हैं, तो वो काफ़ी है इतनी फ़िलहाल। दिखाता हूँ जो हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया था ना, छोटा सा था, उसको मैंने ईंटों से कवर किया था। ये देखें, ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, इसके पत्ते भी बड़े हो गए। पहले ये पर्पल कलर का था, अब ग्रीन हो गया है, और एक और भी साथ में निकल गया है। ये देखें, ये आम का एक और दरख्त निकला है, ये रहा। ये देखें अंदर गुठली पड़ी हुई है आम की, ये इसके अंदर से ये दरख्त निकल रहा है। घास आपको सही नज़र नहीं आएगा। और लीमू का आपको पता होगा कि ये सारा ख़त्म हो गया था, लेकिन अब फिर से ये लीमू फैलना शुरू हो चुका है। अभी मैंने तोरियां भी उतारनी है, तोरियां उतारता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ मैंने कितनी तोरियां उतारी हैं। Thank you.
दोस्तों ने जब भी डव का बच्चा अडॉप्ट किया था उसका मैंने खाना शाना खिला दिया और उसने फ्लाई भी करना शुरू कर दिया और उड़ के यहाँ पे बैठ गया है। इसको पकड़ना पड़ेगा, वो पीछे प्लेयर के बैठा हुआ है। मैं पकड़ता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसको मैंने पकड़ लिया है, ये डव का बच्चा। इसको हमने अडॉप्ट किया था कल, तो अभी इसको आज़ाद मैं कर दूंगा जब ये खुद दाना खाना सीख जाएगा, तब मैं इसको आज़ाद कर दूंगा। अभी इसको मैं इसके घर वापस रखता हूँ। बाकी ऑस्ट्रेलियन पैरेट का बच्चा जो हमने टेम करने के लिए लिया था वो बैठा है। अब ये खुद दाना खा लेता है तो इसको फीड करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कल मैंने तोरियां तोड़ ली थी और अंदर रख दी थी। तो ये ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।